नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर कमलनाथ को लेकर इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करी जाए तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था कि मुझे जो है वो भगवान की दया से सब कुछ मिल चुका है और मध्य प्रदेश की अगर सत्ता की बात करूं तो मैं एक अच्छे हाथों में सौंप कर जाना चाहता हूं। और सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो चली थी कि कमलनाथ आने वाले वक्त में जब मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे वहां पर मुख्यमंत्री पद के तौर पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, और इसी को लेकर तमाम जो है वो सवाल खड़े हो रहे थे। जब यही सवाल कमलनाथ से किया गया तो उन्होंने अपने उस बयान से यू टर्न लिया और कहा कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। तो साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है कि कमलनाथ एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि पार्टी के कुछ ऐसे नेता थे जो कमलनाथ के नाम पर चुटकी लेते हुए नजर आए थे, और ये तमाम नेता कांग्रेस के यानी कि अपनी ही पार्टी के थे, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई गुट अगर नाराज हो जाता है तो ऐसी बातें सामने आती हैं, लेकिन जब उन्हें मना लिया जाता है तो फिर पार्टी एक जो कहीं ना कहीं एक साथ नजर आती है और एक ही सुर में विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोलती हुई नजर आती है। कमलनाथ ने तैयारी इतनी ज्यादा पुख्ता करी है अपने मुख्यमंत्री बनने की कि तमाम सर्वे कराए गए हैं, और इन सर्वे में ये जब कहा जा रहा है कि ऐसी कुछ सीटें हैं जिस पर कांग्रेस मजबूत नहीं है, तो ऐसी सीटों पर यह डिसाइड किया गया है कि 6 महीने पहले ही तमाम उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, और जिन सीटों पर उम्मीदवारों की जो स्थिति है वो काफी मजबूत है वहां पर जो है वो इंतजार किया जाएगा और अंतिम वक्त पर ही कुछ फैसला लिया जाएगा। तो तमाम रणनीतियां यहां पर बनाई जा रही हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कमलनाथ जिस तरीके से बार बार अपने जो बयान है उनसे पलटते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही किनारा कर ले, क्योंकि बातचीत के दौरान छिंदवाड़ा का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि वहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर ये तमाम जो खबरें चल रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात की जो चर्चा है उस पर मुझे लगता है कि विराम लग जाएगा, क्योंकि कमलनाथ लगातार जिस तरीके से एक्टिव पहले नजर आ रहे थे, बीते दिनों की बात करी जाए तो थोड़ा कम नजर आए, लेकिन अब अगर देखा जाए जिस तरीके से कमलनाथ बनाम शिवराज का चुनाव होगा या कमलनाथ बनाम सिंधिया का चुनाव होगा, इस बात को लेकर जो है चर्चाएं जोरों पर हैं। और आपका क्या सोचना है कि कमलनाथ जिस तरीके से ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो फिर लड़ाई सिंधिया और कमलनाथ की होगी या शिवराज और कमलनाथ की होगी? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।